बोलो वापस। टिंडा ले लो टिंडा। कितने रुपए किलो है? चार रुपए किलो। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। बस थोड़े थके हुए तो होंगे क्योंकि चल रही है दिवाली की सफाइयाँ। दिवाली भी जल्दी आने वाली है और हमारे मेन छतकुटा ये रहेगा कि दोनों बाप बेटी की छुट्टियाँ हो जाएगी, इसलिए क्योंकि दोनों जब रहते हैं ना इनकी डिमांड इतनी रहती है, कुछ खाना है कुछ खाना है। तो बेटी भी ऐसी हो जाती है और ऊपर से ये कभी मैगी बना दे कभी बनाना शेक बना दे, ये काम निबड़ने नहीं देते बिल्कुल भी। और लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि आप मारवाड़ी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि पता है मैं मेरे वहाँ पर थोड़ी कम्फर्टेबल से रहती हूँ। यहाँ पर मैं जब से आई हूँ ना ससुराल, तब से मैंने मारवाड़ी में बहुत कम बोलती हूँ। मैं बोलती नहीं हूँ मारवाड़ी में, मैं हिंदी में ही बात करती हूँ सबसे। और पापा है, पापा भी है ना, मतलब सबसे मारवाड़ी में बात करते हैं, मुझसे हिंदी में ही बात करते हैं इसलिए। और एकदम से जब से मैं आई हूँ ना हिंदी बोल रही हूँ ना, तो मेरे जबान पे वो ही पड़ गई है मुँह पे कि मैं हिंदी ही बोल रही हूँ। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी मारवाड़ी बोलने की भी, प्योर पूरी एकदम से फराटेदार नहीं बोल पाती हूँ, मगर हाँ ठीक है कोशिश करूँगी। तो अभी आया भैया मुझसे मिलने के लिए, हो गया रवि भैया की शादी है ना, तो उसकी पोशाक देने के लिए पैकिंग करवानी है। तो मैं भैया के लिए स्पेशल ड्रिंक बना रही थी। हमेशा ऐसा होता है कि मैं क्या बनाऊँ कि कन्फ्यूज़न रहता है। मैं सोचती हूँ कि हमेशा भैया के लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ, चाय भैया पिएगा नहीं, तो मैंने सोचा लस्सी बनाती हूँ। तो उसको थोड़ा डेकोरेट किया है, मैं हमेशा यही रहता है, वैसे गर्मी रहती है तो मैंगो शेक बना देती हूँ, भैया को बहुत पसंद है। और अभी मैंने बनाई है लस्सी, तो इस पे मैंने केसर डाला है और बादाम डाली है। दीवा अच्छा होता है ना, तो अंडा खाना चाहिए। अपन तो नहीं बेटा, गंदा कचरा होता है उसमें। नहीं बहुत अच्छा होता है, मच्छी सबसे अच्छी। अपन जेजे की शाकाहारी होता है अंडा, मच्छी सबसे अच्छी। शाकाहारी होती है अंडा तो ना बेटा, शाकाहारी होता है अंडा तो बेटा। अपन पूजा करते हैं जेजे की, गंदी बात होती है। इन्हें कोई मतलब तो नहीं, खा सकते हैं ना अंडे, तो खा ही सकते हैं ना। हाँ नहीं बेटा, गंदी बात है, मेरा मां के जवाब। आज मैं खिलाऊंगा तेरे को, मां लेके मामा लेके आए अंडे, जा आजा चीज खाई की क्या? चीज के चक्कर में तो आ जाए लिया। अरे नहीं, तो भी चीज आओ, चाहे आइसक्रीम आ रहे, चॉकलेट आ, मोबाइल को मैं रिद्धि रुद्रु नहीं करूं, खिलाऊंगा मैं टावरा ने, खिलाऊंगा मैं रास्ता में, तो मैंने खिलाऊंगा मैं चिप्स खिलाऊंगा टावरा ने, गलत है। आइसक्रीम आ ने जूस काहे को खिलाऊंगा मैं अभी। अरे कोई चीज कुंदर जो भी चीज लाने घर ले रहने, क्योंकि रास्ता में जिद्दी कर बला जो कोई के साथ आवे जावे के हिसाब, तो रास्ता में आकर बोले ना अब गई, अब कुनानी की वाह। हाँ इसको पता है तो ये मामा की गाड़ी है। अरे भगवान, भैया इसको ना चीज दिलाने के लिए ले गया, तो ये पोशाक के पैक करनी है, पैक करवाएंगे मतलब किसी से। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम में, नींद तो मुझे बहुत तेज़ आ रही है। बट रीवा भाई साहब अभी मामोसा के साथ गए हैं, भैया ने बोला कि ना कुछ चीज़ दिलाऊँ क्या, तो बोले चल दी हाँ। और अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था अंडे के ऊपर, क्योंकि मैं घर पे जाती हूँ तभी अंडे खाती हूँ। तो रीवा मतलब मेरे पेट मतलब मैं प्रेग्नेंट थी तब, रीवा के टाइम पे भैया ने ना बहुत ऑमलेट खिलाई थी मुझे, जित एक महीना रही थी, तो मैंने एक महीने में रोज़ ऑमलेट बना बना के खाई खिलाई है भैया ने। तो अभी भी उसको ना एग बहुत पसंद है। तो मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही थी पतौड़ की सब्ज़ी। आज मतलब मैं सोच ही रही थी कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, तो एकदम से मुझे याद आया मम्मी ने मुझे ना क्या दाल, हमारे मूँग आए थे गाँव से तो दाल दली थी, तो दलते हैं ना तब दो प्रकार की हो जाती है, एक तो थोड़ी बारीक सी हो जाती है मूंग,
मूंग की दाल और एक थोड़ी नॉर्मली रहती है। तो जो बारीक वाली है ना, हम कभी खिचड़ी दलिया बनाते हैं, नहीं खिचड़ी, ओनली खिचड़ी बनाते हैं ना, तब वो काम आ जाती है, जल्दी से फटाफट पक भी जाती है। इसलिए दोनों को अलग अलग डिब्बे में रख रही थी, तो एकदम से बेसन दिखा तो मैंने सोचा आज यार कुछ अलग सब्जी बनाऊँ, पतोड़ की बनाते हैं। ये तुरंत मंगवड़ी भी बना ली और चीज़ें भी बना ली सारी। मैंने कभी भी है ना पतोड़ की सब्जी नहीं बनाई, हमेशा मम्मी ही बनाते थे। तो मैंने सोचा कि मम्मी छत पे है ना सौंफ साफ कर रहे थे, सौंफ और जीरा, तो आज मैं ही ट्राई करूँ क्यों ना, बट ख़राब ना हो जाए बस। तो मैंने वीडियो देखा और ट्राई की। मम्मी तो हमेशा पता नहीं कैसे बनाते, मैंने कभी नहीं देखा। तो वैसे तो मैं, आप सोचोगे पता नहीं कैसी है, इसमें थोड़ा सा बेसन रखा था, तो मैंने इसी में ही घोल बना लिया। घोल मैंने कैसे बनाया था कि बेसन, उसमें हल्दी, मिर्ची और नमक, जीरा, थोड़ी सी हींग और अजवाइन थोड़ी सी, अगर आपकी गैस बनती है तो, उसको एकदम पतला घोल बना लिया, एकदम पतला पतला घोल बना के, और कढ़ाई गैस पे रख के, गैस नहीं चलाया पहले, उसको घोल कढ़ाई में डाल के फिर मैंने अच्छे से मतलब मिक्स किया। जैसे कढ़ी को अपन छोड़ते नहीं ना जब तक वो हो नहीं जाती, तब तक इसको भी ऐसे हिलाना होता है। दो मिनट, दो या तीन मिनट का काम था, एकदम से ये तो गाढ़ा ही हो गया। चलो मैं दिखाती हूँ मेरा रिजल्ट। तो ये देखो, ये एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो गया। अब इसको मैं ना इसमें निकाल दूंगी। सब्जी क्या थोड़ी बिगड़ गई थी इसमें, तो है ना मम्मी ने आके, मम्मी से पूछा मैंने, वो गांठे सी हो गई थी इसमें, तो मैंने मम्मी से आके थोड़ा सही करवाया, थोड़ा सही है, नहीं तो पहले तो बिल्कुल ही हलवा जैसा हो गया था। इसे कहते हैं पूछ पाछ के करना चाहिए, ज़रूरी नहीं हमेशा यूट्यूब वीडियो की रेसिपी सही हो। ये भगवान, सीरियसली कभी भी है ना मतलब यूट्यूब के भरोसे कभी भी नहीं रहना चाहिए। आज मैंने यूट्यूब में देख के पतोड़ की सब्जी बनाई, तो वो जो घोल था पहले तो इतना गाढ़ा अजीब सा हो गया। तो मैंने मम्मी को कॉल करके, मम्मी ऊपर छत पे थे, मम्मी को बुलाया, फिर मम्मी ने उसको अच्छे से वापस पानी डलवा के, थोड़ा सा तेल डलवा के सेट करा थाली में, और फिर वो मसाला वसाला बता के गए, तब जाके अब थोड़ी मतलब मुझे लग रहा है हाँ पतोड़ी की सब्जी बन रही है। तो मगर मैं मम्मी से पूछती थी ना ऐसे ही बना देती, तो इतनी बुरी सब्जी बनती ना कोई नहीं खाता, और मेहनत ही मेहनत। आज मुझे कम से कम एक घंटा हो गया इस सब्जी में पागल होते हुए। उसने उन्होंने बोला था कि ना दो मिनट इसमें लगेंगे, ऐसा होगा फलाना ढीकड़ा 15-20 मिनट में सब्जी तैयार। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा मेरे लिए पतोड़ की सब्जी। अब ज़िंदगी में भी ना मतलब पतोड़ की सब्जी नहीं बनाऊँगी, और कभी बनाऊँगी ना तो या तो मम्मी को पास में खड़ा रख के जब तक सब्जी नहीं बन जाएगी ना तब तक मम्मी को हिलने नहीं दूँगी। इसलिए सब्जी वैसे बन तो ठीक गई, बट क्या है कि ना मुझसे बनाने में वैसे क्या गलती हो गई, तो ये थोड़ा बहुत क्या घुल गई, बट बन गई। चलो अब मैंने बना दिया रोटी सब्जी, सारा काम हो गया किचन का। अब जो रोटी खाएंगे वो क्या बोलते हैं उसको करना है, बर्तन वर्तन धोने बाकी, और दूध जमाना, और बाकी सारा काम हो गया है। अब थोड़ा रेस्ट करूँगी 5-10 मिनट, फिर रीवा बाईसा को खाना खिलाऊंगी। वो भी कई कितनी देर से बोल रही मम्मी खाना बना दो, भूख लग रही है। मतलब बेटा दो मिनट रुक जा, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर बाद में खिलाऊंगी उसको। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और आज है ना रीवा की स्कूल में ना लास्ट एग्ज़ाम भी है, एग्ज़ाम चल रहे थे, मगर इनको तो क्या पता चल रहा है एग्ज़ाम का। और दिवाली सेलिब्रेशन भी होगा, तो इसमें ना मतलब रामायण के कैरेक्टर है ना उसमें एक बन के जाना है। मगर अब मैसेज इतना लेट आया था कि मैं उसके लिए कॉस्ट्यूम लाना भूल गई, कोई था ही नहीं घर पे, नहीं तो मैं इसके लिए कॉस्ट्यूम ज़रूर लेके आती, राम जी वाली या फिर कोई सी भी लेके आ जाती, बट कोई नहीं, इसके पास एक कुर्ते पजामे है वो पहना दूँगी, है ना बेटू, और तिलक लगा दूँगी, है ना बेटू। जय सिया राम, जय श्री राम, हाथ जोड़ के बोलो जय श्री राम। कैसे हो आप? अले ला बाबू स्कूल जाएगा ना? पूरा अंदर कचरा आ गया। हाँ बेटा, ये पैकिंग करी थी ना, ये किसने करा कचरा?
अच्छा, सुबह उठती है जब इसके कोई ना कोई तो मार ही देता है जानवर, है ना बेटा? अभी झाड़ू निकालेंगे ना तो सब सब कचरा निकाल देंगे, झाड़ू निकालेंगे अभी। आप चले जाओगे ना जब मम्मा शांति से झाड़ू पोछे करेगी। और कल से छुट्टियां पड़ रही है बाबू की दिवाली की। बाय बाबू। मेरा प्यारा प्यारा बाबू लगला है ना। और अब रिवा स्कूल चली गई है, शांति हो गई थोड़ी घर में। अब करूंगी मैं योगा, फिर योगा करके नाश्ता करूंगी। तो अभी मैं नहा धो के आ गई और आते ही एज यूजुअल मुझे भूख बहुत तेज लगती है और आज नहाते नहाते वोमिट भी हो गई थी तो और भी तेज भूख लग रही है। तो इसलिए तो मैंने मेरे लिए वही एज यूजुअल एकदम ग्रीन, दही बहुत कम डालती हूँ, खीरा ज़्यादा डालती हूँ उसमें, रायता है। और मम्मी ने आज ना स्प्राउट्स की सब्जी बनाई थी वो लिया है क्योंकि मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये मेरे लिए मिठाई लेके आए थे, एक तो ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू जो मुझे बहुत पसंद है और एक है कड़ाकंद जो कि वो भी मेरे बहुत फेवरेट है। चलो खाना खाते हैं, रीवा भाई साथ भी आने का टाइम हो गया है, उसको क्या सुरजीत बना लेकर आएंगे। और इस स्प्राउट्स की सब्जी में खूब सारा नींबू निचोड़ के खाते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। चलो आ गई रीवा भी और ये मेरा रायता। और एज यूजुअल जो भी मैं दो रोटी खाती हूँ वो ये है, चाहे कितनी तेज भूख हो दो ही रोटी खाती हूँ बस। हाँ, एक्सरसाइज ऐसे करते हैं क्या? कौन करवाता है स्कूल में? और कैसे करते हैं? अभी एक हाथ को कैसे ऊपर करते हैं बताओ, ऐसे उधर से इधर से भी करो। अच्छे अच्छे एक्सरसाइज कराती मैडम आपको। अच्छे एक्सरसाइज करता है बेटा। ये रीवा कह रही एक एक्सरसाइज ऐसे भी करते हैं हम, ऐसे करते हो गए आप? अच्छा, कोई कर सकता है क्या ऐसी एक्सरसाइज रीवा के जैसी? हाँ ऐसी अच्छी एक्सरसाइज भी कराते हैं, ऐसे भी कराते हैं। और अच्छा ऐसे भी कराते मैम? ऐसे भी कराते हैं? अरे मेरे बेटा थक जाएगा, लग जाएगी। अरे अभी सुना दे ढंग से, ढंग से ढंग से, ऐसे नहीं सुनाते, अच्छे से सुनो। चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। मेरा बेटा हाँ बेटा जी, तो बाबू बना रहा है दाता के लिए चाय। क्या बना रहे हो बाबू? चाय। चाय बना रहे हो? हाँ। दाता के लिए चाय बना रही है। मैं सामान डाल डाल के इसको दे देती हूँ, मतलब वैसे नाप नाप के ये उसमें डालती रहती है, गैस भी खुद ही जलाएगी। वैसे मैं पास में खड़ी रहती हूँ, इसके छोड़ के नहीं जाती। और एक तरफ मैं तवे पे हमारे खाने पीने की इंतजाम कर रही हूँ। पहले तो मैं सेकूंगी मखाने। और मैंने इसको पूछा क्या खाएगी तो बोले मेरे मामा लेके आए थे वो खाना है। तो इसके मामा क्या इसको कुछ खिला दिलाने के लिए लेके गए थे ना, तो पनीर दिला के लेके गया था। तो पनीर कल तो इसने थोड़ा खा लिया, मैंने भी खा लिया था। और आज मैंने सोचा आधा और बचा है तो आधा और खा लेते हैं। तो पहले थोड़े मखाने सेक लूँगी और पनीर को भी थोड़ा है ना घी में फ्राई कर लूँगी, काले नमक के साथ खाएंगे, है ना गुड्डू? चटोरी। बाबू क्या है? बाबू क्या है? चटोरी। चटोरी नहीं। तो क्या है बाबू बताओ? बाबू। बाबू है। आपका नाम क्या है? रीवा। आगे? रीवा राठौड़। रीवा राठौड़। इसको है ना और कुछ मत बोलो, बस रीवा राठौड़ ही बोलो। तो हम दोनों का मेरे हस्बैंड को खाने में ये सैलेड मिल जाती है ना तो मतलब राम जी मिल जाते हैं, तो ये खाना। अभी टाइमिंग हो चुके हैं 10, सोने का टाइम हो गया। इसके पापा ने है ना सुबह मॉर्निंग में ये वाले कलर दिलाए थे इसको, वाटर कलर।
और अब ये जिद कर रही थी। हाँ बेटा जी, कोई सा भी कर लो, रेड कर लो, रेड रेड ये रहा। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? हाँ कर लो। तो इसके पापा ने इसको ये कलर दे दिए रात के 10 बजे। अब ये ना तो सोएगी ना सोने देगी। अरे कलर करे जा रही कब से। कहावत है ना, बांदर के आदमी उस तरह आ जाता तो ऐसे ही करता है। पेंटर बन रही है, पेंटर करो करो, कलर करो। देखो कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है बाबू ने। बेच दे इस पेंटिंग। बेचेंगे, करोड़ों में बिकेगी, करोड़ों में ना।